सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग राइडर शौर्य एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये खड़ी अपनी ड्यूक, इसको मैंने करा था क्लीन। देखो भाई साफ़ हो रही है, पूरी चमक रखी है एकदम। तो करते हैं जल्दी से कोल्ड स्टार्ट और फिर निकलते हैं अपना एक शॉर्ट नाइट राइड पे डेली वाली। उसमें तो फ्यूल का सिग्नल भी आ गया। फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा, अभी दोबारा फ्यूल भरवाना पड़ेगा। वैसे तो उसमें मैंने भरवाया नहीं था, कम ही डलवा रखा था, बट अब डलवा देंगे ढंग से। चलो लेट्स गो। ऐसा पूरे दिन में रात को ही निकालता हूँ और रात को ही मज़ा आता है। सुबह तो धूप और ट्रैफिक चल रहा है, वैसे आज तो था नहीं, बारिश हो रही क्योंकि, बट रात का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा रात को। ओ भाई मस्त हवा लग रही है। सो गाइस जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके का कंटेंट तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए बनाता रहे। और सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। वीडियो तो तुम देखते हो यार, पर सब्सक्राइब करना तुम भूल जाते हो, इसलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी तो और कुछ नहीं है, ओ भाई हवा लग रही है ना इतनी मस्त। इसको तो ऐसे घुमाने में मज़ा आता है ना, मतलब यूं 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 करने में जो मज़ा आता है ना, अलग ही लेवल है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग इतनी प्यारी है। ओहो फॉर्च्यूनर, नंबर चेक करो यार, 0100, क्या बात है। और चप्पल किसी बड़ी है ज़मीन पे। लाइटिंग चेक करो यार, लाइट्स ही लाइट्स, लाइट्स ही लाइट्स हैं हर जगह। आ गया पेट्रोल पंप, अभी कराते हैं इसकी टंकी फुल। ओके चलो 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 चलो, आठ सौ का डाल दो। 800 तो गाइस फ्यूल अप हो रहा है अभी इसमें। आई गया लगभग टॉप तक। मीटर चेक करते हैं अब कितना टॉप अप आएगा।
बैक फायर पड़ा भी। ये चेक करो यार, 300 आ चुका है इस पर, 300 299। तो 300 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, अब सही है, अब आएगा ना मज़ा। ये लो क्लॉक टावर भी आ गया हमारा, यहाँ से लेंगे राइट और फिर महिंद्रा ग्राउंड से अपना होते हुए सीधा घर। भाई यहाँ देख के जानी पड़ेगी, चेकिंग ना हो और हमारी गाड़ी का अगर नंबर प्लेट नहीं है, अब मैंने लगा नहीं रखी क्योंकि मैं हूँ ढीठ, समझ रहे हो ना तुम लोग। हाँ यार, लुक ख़राब हो जाती है गाड़ी की, इसलिए नहीं लगा रहा मैं। ओहो मॉडिफाई, देखो यार मॉडिफाई करा रखा भाई ने, स्पॉइलर लगा रखे पीछे। ओ चेकिंग तो नहीं है, चेकिंग तो नहीं है, चेकिंग तो नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, चलो ओके। गाइस चेक करो, हम लोग आ चुके हैं महिंद्रा ग्राउंड, ब्रेकिंग देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है भाई इसकी। और यार एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी मार्केट में एक और बाइक आई है एप्रिलिया 457, तो कुछ लोग भाई कंपेयर करेंगे उसको ड्यूक 390 से, लेकिन भाई दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो है वो है प्राइसिंग में, ये आती है 370 की और वो आती सीधा 500,000 की, तो भाई बहुत डिफरेंस है प्राइसिंग में। और ये जाती है 180 और वो जाती है 200, तो कोई मैच नहीं है। ये जो बाइक है ना वो मतलब सेगमेंट में किलर है, नेकेड सेगमेंट में, वो तो फेयरिंग में आ गई लेकिन ये नेकेड सेगमेंट में किलर है, और साथ में यार बजट फ्रेंडली भी है। अगर हम RS 457 से कंपेयर करें तो उस हिसाब से बजट फ्रेंडली है, वरना ये भी काफ़ी कॉस्टली यार, मेरे लिए तो काफ़ी कॉस्टली है। अब तुम्हारे लिए हो सकता है ये सस्ती हो, है ना, तो इस बाइक को कोई मुकाबला नहीं है। और उस इस बाइक में है 45 BHP और एप्रिलिया में है 47 BHP, तो 2 BHP का अंतर है, मतलब बहुत ही माइनर अंतर है। ओ भाई क्या बात हो रही है, इतना अंधेरा कैसे, डर लग रहा भाई मेरे को अंधेरे में। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइसिंग में और परफॉर्मेंस में, बस इतना फ़र्क है कि वो टॉप एंड में और इनिशियल में भी थोड़ा सा आगे रहती है ड्यूक से, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अगर तुम लोग सोच रहे हो दोनों में से कोई एक परचेज़ करने की और तुम्हारा थोड़ा बजट कम है कंपेयर करें RS 457 से, तो तुम ड्यूक पे जाना, क्योंकि भाई इस जैसी बाइक कोई है नहीं भाई। इसमें लॉन्च कंट्रोलर सब कुछ है, मतलब बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्या कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बाइक को ऑन करके, बाकी इसके बाद देखते हैं कौन सी आती है। इसके बाद तो जब कभी अपग्रेड होगी, अभी नहीं होगी, टाइम लगेगा, बट जब कभी होगी तो सीधा सुपर बाइक आएगी। ओ भाई यार, यहाँ पर जो एरिया है ना इतना ठंडा हो रहा है ना, और ये देखो व्यू, टैंक है यहाँ पर, टैंक और प्लेन का मतलब ऐसे बना रखा है, और मतलब बहुत ही सही हो रहा है ना टेम्परेचर ना। सुबह या दिन या दोपहर के टाइम में पॉसिबल है नहीं, तो रात को ही निकलता हूँ मैं मस्त अपना। ओ भाई साहब लीन मारी जाए, चलो थोड़ी सी, ओ भाई
जय श्री राम। जिसको जिसके हाथ में बाइक सेट हो गई ना, तो उसके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। ये आ गया सेंट्रियो। तो गाइस आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, इसको भी जाके वो कर लेना, जो भी होता है यार, क्या होता है, फॉलो कर लेना। हाँ फॉलो कर लेना। तो यार सीधा मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।